एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक अमरोहा में स्थित ईसापुर गांव पड़ा, जहां पर ग्रामीणों ने मीनू देवी को ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 3500 की आबादी वाले इस गांव के जिला मुख्यालय से दूरी 23 किलोमीटर तथा ब्लॉक से दूरी 22 किलोमीटर है। लगभग 1100 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 92 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 16 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 15 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए गांव में 50 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, तालाब की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम ईसापुर का रहने वाला हूँ मैं, प्रधान पति हूँ। हमारे यहाँ इतनी समस्या है, तालाब की दीवार होनी है और मकान उकान के खंडर जैसे पड़े हैं लोगों, गरीबी रेखा में। शौचालयों का निर्माण तो हो गया है और सड़कों पड़कों के लिए भी बहुत विकास रुका पड़ा है। गवर्नमेंट इधर को ध्यान कम दे रही है और पेंशनों वेंशनों का मामला भी ऐसे ही ढीला चल रहा है। कुछ किसी की आ रही, किसी की ना आ रही और बन बनाए भी ना आ रही। जिले बजा में तो मना कर दें साहब, पेंशन तो अभी बन ही ना रही। हमारे प्रधान जी ईसापुर के जो रोहित कुमार जी हैं, जो बच्चों पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और बच्चों का समय से खाना बन जाता है और रसोई में गैस सिलेंडर की व्यवस्था है, खाना गैस पर बन रहा है और जो मीनू है उसके अकॉर्डिंग खाना दिया जा रहा है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद।